एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम सलवार में प्लेस डालना सीखेंगे, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स सलवार में प्लेस डालना बहुत इजी होता है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि प्लेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आज हम वही सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने अपनी सलवार की कलियर ज्वाइंट की हुई है, देखिए ये मैंने आसन ज्वाइंट किया हुआ है और अपनी कलिया ज्वाइंट की है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या करना है, जो दो हमारा आसन है यहाँ से ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे फैला लेंगे। दोनों आसन है साइड में आने चाहिए। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारी कलिया है, दो कलिया इधर है और दो कलिया इधर है। ये जो बीच वाले पार्ट होते हैं हमें सबसे पहले इसके जो बीच सेंटर होता है पार्ट का उस पर निशान लगा लेना है, ऐसे फोल्ड करके यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कट लगा लीजिए, चाहे आप निशान लगा लीजिए, वाइट कलर शायद आपको दिखाई दे, यहाँ से निशान भी लगा देती हूँ ये यहाँ से। इसका ये निशान इसलिए होता है, यहाँ से हमें प्लेट लगानी ही लगानी होती है, क्योंकि हमारा बी सेंटर होता है, ये हमारे जो सलवार की क्रीज होती है ये उसके लिए होता है। यहाँ पर आपको ऐसे प्लेट डालनी ही डालनी होती है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से अपना जो हमारे पार्ट है बिल्कुल ऐसे किनारे से लगा के ऐसे रखना है। उसके बाद हमें ये देखना है, हमें जो हमारी सलवार में प्लेट डलती है वो 8-8.5 इंच पर डलती है, और जो बड़ा साइज होता है थोड़ा वो 9-9.5 पे कर सकते हैं, और जो थोड़ा उससे ज़्यादा हैवी साइज होता है वो हम 10 से 8.5 तक लगा सकते हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल साइज है तो इसमें हम 8-8.5 पर लगाएंगे। तो आप यहाँ से नापना जहाँ तक हमारी बेल्ट है वाली, उसके बाद 8-8.5 इंच ऐसे नाप के ऐसे निशान लगा लेंगे, ठीक है। फिर हमें जो पीछे का पार्ट होता है वहाँ पे हमें 2.5 इंच की या 3 इंच की बेल्ट लगानी, चुन्नट भरनी होती है, वो हम ऐसे निशान लगा लेंगे। 2.5 या 3 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, एक पीछे निशान लगा लेंगे, ठीक है। टोटल हम यहाँ से हमें 8.5 लेना है, फिर उसके बाद 2.5 इंच का हमें पीछे प्लेट के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद ये हमारा बचेगा 6 इंच। तो टोटल हमारा यहाँ से 6 इंच का होकर इसको ऐसे उठाएंगे, जो निशान लगा है यहाँ से ऐसे उठाकर इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये हमारा बीच सेंटर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो हमारा निशान है हमें इस निशान से यहाँ तक अपनी प्लेट कवर करनी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो हमारा बीच वाला पार्ट है हमें यहाँ से ऐसे, और जो हमारा पार्ट ये ऊपर की बेल्ट है इसको ऐसे करके ये बीच वाला जॉइंट इसको सीधा ऐसे रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा बीच वाला सेंटर है आसन का यहाँ से हम ऐसे प्लेट लगाते जाएंगे। ध्यान रखना फ्रेंड जो हम दोनों तरफ की प्लेट भरते हैं उन दोनों की डायरेक्शन एक साइड में होनी चाहिए, इस वाले की इधर से तो इस वाले की इधर से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक प्लेट इधर से लगा दी और एक प्लेट इधर से, ऐसा नहीं करना है हमें। इसकी डायरेक्शन इधर होगी तो इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, ठीक है। अब हम ऐसे प्लेट भरते जाएंगे। देखिए फ्रेंड हमें इस तरह से कुछ चुन्नटें लगानी है, तो मैंने ऐसी थोड़ा अंदाजे से करके दिखाई है। ये हमारा बीच सेंटर है और यहाँ तक, लेकिन फ्रेंड ये जो हमारा पार्ट होता है बीच में ये हमारा उसका निशान था, हमें यहाँ से ऐसे उठा के चुन्नट भरनी ही भरनी है, ये हमारा क्रीज का निशान होगा। इसको ऐसे नहीं आप दबाना नहीं है इसको, जो हमारा इसको ऐसे उठा के इसमें से क्रीज उठानी ही उठानी है। तो फ्रेंड चलिए हम पहले इसकी एक साइड की प्लेट भर लेके दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड जो हमने ये वाला निशान लगाया है हमें यहाँ से प्लेट लगानी स्टार्ट करनी है ऐसी। हम बेल्ट को बाद में करेंगे, हम पहले खाली प्लेट लगा लेते हैं, और इसको ऐसे भरते हुए। अगर फ्रेंड्स अगर आप ज्यादा आपके ज्यादा घेर हैं तो आप एक दूसरे के ऊपर इसको पास पास में लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे बीच सेंटर है अब यहाँ से हमें प्लेट उठानी ऐसे, इसको ऐसे नहीं करना, दबाना नहीं है इस क्रीज को, ताकि फिर आपकी क्रीज दब जाएगी। अब हमें यहाँ से ऐसे उठाकर इसमें ऐसे प्लेट लगानी है, ऐसे करते हुए सारे में हमें ऐसे प्लेट भरनी है। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना है हमारी टोटल प्लेट हो कितनी हुई है, ऐसे काउंट करके जितनी हमारी एक साइड में होगी ऐसे में दूसरी साइड में लगानी होती है, ठीक है।
देखिए फ्रेंड, हमने एक साइड अपनी प्लेट्स लगा ली है। अब हमारा जो पार्ट ये बेल्ट है इसकी बीस सेंटर ये वाला है और यहाँ से, ठीक है। अब हम नाप के दिखा देते हैं हमारा आठ यहाँ से। देखिए फ्रेंड, 8.5 इंच पे हमारी प्लेट आ गई है पूरी। और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है ये हम पीछे प्लेट में एडजस्ट करेंगे अपना, ठीक है। अब ऐसे सेम हम दूसरी साइड में लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमने दोनों साइड में अपनी प्लेट्स लगा ली है। अभी हम बाद में प्रेस करेंगे तो अच्छे से जम जाएगी। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना है, जितनी आपने इधर प्लेट भरी है उतनी इधर आनी चाहिए। देखिए मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारी 12 इधर है तो हमारी 12 इधर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसीलिए हमारी बराबर बराबर प्लेट आएंगी। और उसके बाद ये हमारा यहाँ से जो निशान है यहाँ तक आ जाएगा। और जो हमारा बीच वाला पार्ट ये एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे हम एक एक प्लेट पीछे लगाएंगे, ठीक है। अब वो भी लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बैट अटैच करना दिखाएंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, हम पीछे से करीबन 2.5 या 3 इंच की प्लेट भी ले सकते हैं। यहाँ से हम ऐसे उठाएंगे और यहाँ तक करीबन आप ये तो नाप की कर लीजिएगा। मान लिया हमने यहाँ से 3 इंच का ऐसे नाप लिया, तो यहाँ से ऐसे उठाकर हमें यहाँ तक ऐसे मिलाना है। हमें बॉक्स प्लेट मिलानी है, इसको ऐसे नहीं रखना बिल्कुल, जो हमारी लाइन आ रही है इस पर ऐसे मिला के ऐसे लाइन सिलाई लगानी है। देखिए फिर हमें सेम ऐसे इधर से उठा के ऐसे प्लेट लगानी है। पीछे मोस्टली वन एक ही लगती है, आप चाहें तो दो भी लगा सकते हैं। देखिए ये हमारी पीछे की प्लेट लग गई है, ऐसे ऐसे बॉक्स प्लेट बनानी है। अब इसके बाद हम बेल्ट कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे आगे का हिस्सा है जहाँ पर हमने प्लेट डाली है, ये हमारे आसन का 20 सेंटर है यहाँ से। और जो हमारे ये बेल्ट है इसका जो हमारा 20 सेंटर है ये वाला, इसको सीधा रखना है और इसको उल्टा ऐसे रख के यहाँ से देखिए जिस सेंटर से ये सेंटर मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसको अटैच करते हैं। जो हमारा पीछे का 20 सेंटर है और हमारा जो बेल्ट का दूसरा सेंटर है, ये सेंटर इस सेंटर से मिलना चाहिए। देखिए ये हमारा पूरा सेंटर मिल रहा है, यहां से इसको अटैच करना है। देखिए फ्रेंड, ये हमारी प्लेट लग गई है सारी, ठीक है। और जो फ्रेंड्स सबसे मेन बात जो है आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा 20 सेंटर है इसका हमेशा ध्यान रखना है, ये हमारी क्रीज की होती है। देखिए जो हमारी क्रीज की ऐसे लाइन आएगी ये वाली, तो हमारी ये प्लेट ऐसी क्रीज आएगी, ठीक है। ये क्रीज लाइन का हमेशा ध्यान रखना है, इसको से प्लेट जरूर लगाना है वरना हमारी क्रीज खराब हो जाएगी। ये ऐसे हमारी क्रीज जरूर आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हो सकता है फ्रेंड आपको एक बार में देखने के बाद समझ ना आए कि प्लेट कैसे लगानी है, आप 2-3 बार देखेंगे या कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं कैसे लगानी है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।